पिछले कई दिनों से नेपाल में लगातार बहुत अधिक बारिश हो रही थी और सभी जानते हैं कि नेपाल का जो हम लोगों का जुड़ा हुआ इलाका है, ख़ास तौर से जो गंडक से लेके बागमती से लेके कोसी तक उसका जल अधिग्रहण क्षेत्र नेपाल में पड़ता है और उसमें अगर बहुत अधिक बारिश होती है तो स्वाभाविक रूप से जल स्राव काफ़ी बढ़ जाता है। और इस बार जो पिछले 3-4 दिनों में जो जल स्राव की मात्रा बढ़ी, ये समझिए कि लगभग 15-20 वर्षों का रिकॉर्ड था एक तरह से, क्योंकि अभी जो कल तक गंडक में 4,40,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज आ गया, ये समझिए पिछले कई वर्षों में, ये 2004 के बाद से इतना पानी कभी नहीं आया था। तो स्वाभाविक रूप से जब इतना मतलब वॉल्यूम में पानी आता है तो हमारे तटबंधों पर दबाव बढ़ता है और गंडक के तटबंध पर और कोसी में भी काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ा और कोसी में भी लगभग 3,97,98,000 क्यूसेक का जलस्राव आ गया, जिसके कारण कोसी में भी बढ़ते जल स्तर से हमारे तटबंधों पर दबाव बढ़ा। लेकिन हमारे अधिकारी शुरू से ही वहाँ पर स्थल पर मौजूद थे, अपने तटबंध की लगातार निगरानी कर रहे थे और जो भी बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए आवश्यक सामग्री है वो हम लोगों ने समय रहते, जो भी आक्राम्य स्थल हैं जिसको हम लोग वल्नरेबल स्पॉट्स कहते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने मतलब उसका स्टॉक जमा करके रखा है। हम मुख्यमंत्री के आभारी हैं कि कल उन्होंने अपने स्तर पर समीक्षा की और आज उन्होंने स्वयं ये जो बढ़ते हुए जल स्तर का इलाका है, ख़ासतौर से गंडक नदी से या गंडक प्रणाली से संबंधित, उस पूरे क्षेत्र का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है और इस तरीके से पटना से चल के सारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इसके हर क्षेत्र को हम लोग देखते गए। फिर वहाँ वाल्मीकि नगर बराज के पास हम लोग उतर कर बराज पर जो जलस्राव आ रहा था, डिस्चार्ज आ रहा था, उसका भी हम लोग मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया और फिर वहाँ पर बैठ के सभी विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात की। कुमार जी भी थे, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी भी थे और आपदा प्रबंधन के भी अपर मुख्य सचिव प्रत्यामृत जी भी थे और जो वहाँ के जिला पदाधिकारी थे उन्होंने सारी स्थिति, जो क्या हालत है, कितना पानी आया था, फिर अभी कितना है और जो बचाव कार्य हैं जिन इलाकों में, कुछ इलाकों में पानी भी फैला है, खासकर गंडक में भी और कोसी में भी, कुछ इलाके तटबंध के अंदर बसे हुए हैं कुछ आबादी, तो स्वाभाविक रूप से नदी का जल स्तर बढ़ता है तो उन इलाकों में पानी प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि उन्होंने बाढ़ के समय के लिए इतना कारगर SOP, जो मानक प्रक्रिया, जो नियमावली होती है संचालित करने की, जिसको हम लोग इफ़ेक्टिव SOP कहते हैं, उन्होंने बना दिया है कि तत्काल जिला पदाधिकारी उसमें सक्रिय हो जाते हैं और पीड़ित परिवारों या पीड़ित आबादी को सहाय कार्य या सहाय सामग्री उपलब्ध करा देते हैं। आज भी हम लोग गए हवाई सर्वेक्षण में, कुछ गांव दिख रहे थे जिसके अंदर जब पानी बढ़ा है तो वो फैला है,
और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। हालांकि कल शाम के बाद से पानी घटना शुरू हो गया है, लेकिन ये बड़ा अस्थायी होता है। जैसे गंडक की ही बात लें तो इसका डिस्चार्ज 4,40,000 क्यूसेक तक गया था। आज वो घटते घटते, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लगभग 2,54,000 के करीब आ गया है। उसी तरीके से कोसी में परसों तक जल स्राव इस सीजन का अधिकतम, जैसा कि हमने बताया, लगभग 3,97,98,000 यानी 4,00,000 क्यूसेक तक गया था, लेकिन वो भी आज घट के 2,50,000 से नीचे आ गया है। तो ये घटना तो अच्छी बात है, लेकिन घटने के काल में भी, घटने के समय में भी विभाग को दो चीज़ों से सतर्क रहना पड़ता है। पहली चीज़ तो ये घटना अस्थाई, मैंने फेनोमेनन है, अस्थाई क्रिया है, क्योंकि फिर कल बढ़ सकता है। जैसे ही नेपाल भाग में बारिश होती है ज़्यादा, वैसे ही पानी का स्तर बढ़ने लगता है। और दूसरी बात कि जब पानी घटने लगता है, उसका जल स्तर गिरता है, गिरते जल स्तर में ही कटाव की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए उस पर हम लोग और बढ़ा के निगरानी रखते हैं। हमारे अभियंता प्रमुख से लेकर सारे मुख्य अभियंता अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में मुस्तैद हैं, और अभी तक स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है, और आगे के लिए भी हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। और जहां जहां जो जो चीज़ों की आवश्यकता थी, जिन चीज़ों की, उसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने समीक्षा में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में बांधों को सुरक्षित रखा जाना है, और जहां भी जो पानी फैलने से कोई परिवार उससे पीड़ित हुआ है, तो उसको रिलीफ का सामग्री या उनको सुरक्षित स्थान में ले जाने का काम, उनके लिए भोजनादि का प्रबंध करना, ये उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर सारे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है। सर कितने कुमार जी भी थे, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी भी थे, और आपदा प्रबंधन के भी अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी भी थे, और जो वहाँ के जिला पदाधिकारी थे उन्होंने सारी स्थिति, जो क्या हालत है, कितना पानी आया था, फिर अभी कितना है, और जो बचाव कार्य हैं, जिन इलाकों में, कुछ इलाकों में पानी भी फैला है, खासकर गंडक में भी और कोसी में भी, कुछ इलाके तटबंध के अंदर बसे हुए हैं, कुछ आबादी, तो स्वाभाविक रूप से नदी का जल स्तर बढ़ता है तो उन इलाकों में पानी प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि उन्होंने बाढ़ के समय के लिए इतना कारगर SOP, जो मानक प्रक्रिया, जो नियमावली होती है संचालित करने की, जिसको हम लोग इफेक्टिव SOP कहते हैं, उन्होंने बना दिया है कि तत्काल जिला पदाधिकारी उसमें सक्रिय हो जाते हैं और पीड़ित परिवारों या पीड़ित आबादी को सहाय कार्य या सहाय सामग्री उपलब्ध करा देते हैं। आज भी हम लोग गए हवाई सर्वेक्षण में, कुछ गांव दिख रहे थे जिसके अंदर जब पानी बढ़ा है तो वो फैला है, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। हालांकि कल शाम के बाद से पानी घटना शुरू हो गया है, लेकिन ये बड़ा अस्थायी होता है। जैसे गंडक की ही बात लें तो इसका डिस्चार्ज 4,40,000 क्यूसेक तक गया था। आज वो घटते घटते, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लगभग 2,54,000 के करीब आ गया है।
उसी तरीके से कोसी में परसों तक जल स्राव इस सीजन का अधिकतम, जैसा कि हमने बताया, लगभग 3,97,98 यानी 4 लाख क्यूसेक तक गया था, लेकिन वो भी आज घट के 2.5 लाख से नीचे आ गया है। तो ये घटना तो अच्छी बात है, लेकिन घटने के काल में भी, घटने के समय में भी विभाग को दो चीज़ों से सतर्क रहना पड़ता है। पहली चीज़ तो ये घटना अस्थाई मैंने फेनोमेनन है, अस्थाई क्रिया है, क्योंकि फिर कल बढ़ सकता है। जैसे ही नेपाल भाग में बारिश होती है ज़्यादा, वैसे ही पानी का स्तर बढ़ने लगता है। और दूसरी बात कि जब पानी घटने लगता है, उसका जल स्तर गिरता है, गिरते जल स्तर में ही कटाव की संभावना अधिक हो जाती है, इसलिए उस पर हम लोग और बढ़ा के निगरानी रखते हैं। हमारे अभियंता प्रमुख से लेकर सारे मुख्य अभियंता अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में मुस्तैद हैं, और अभी तक स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है, और आगे के लिए भी हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। और जहां जहां जो जो चीज़ों की आवश्यकता थी, जिन चीज़ों की, उसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने समीक्षा में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में बांधों को सुरक्षित रखा जाना है, और जहां भी जो पानी फैलने से कोई परिवार उससे पीड़ित हुआ है, तो उसको रिलीफ का सामग्री या उनको सुरक्षित स्थान में ले जाने का काम, उनके लिए भोजनादि का प्रबंध करना, ये उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर सारे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया। सर, कितने 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।